नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए 18 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे की बेबी बूटीज का वीडियो लेकर आई हूँ। इन बूटीज को बनने में केवल 42 ग्राम ऊन लगी है। इन बूटीज को मैंने नीचे से स्टार्ट करते हुए बनाया है, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर लेके आए हैं और फिर बीच में फंदे कम करते हुए हमने इसमें डोरी डालने के बाद ऊपर इसका बॉर्डर बनाया है। इसको मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो आइए हम अपनी बेबी बूटीज बनानी स्टार्ट करते हैं। इन बूटीज के साथ की एक स्वेटर और एक कैप ही मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम बूटी बनानी शुरू करेंगे। बूट के तल्ले की लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। बूट के तल्ले की लंबाई 5.1 इंच या 13 सेंटीमीटर बिल्कुल बराबर आई है। बूट को हम शुरू कैसे करेंगे? इसके फंदे हमको डबल धागे पर नहीं डालने हैं, फंदे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल सी नॉट लगा लेंगे। बूट के जो फंदे हैं वो हम बिल्कुल साधारण तरीके से बनाएंगे, ना तो हमको दो धागों से फंदे बनाने हैं और ना ही डबल सिलाई पर फंदे बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, सिंपल तरीके से फंदे बनाएंगे। इस फंदे को अपनी इस सिलाई पर ले लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी सिलाई पर 40 फंदे बनाएंगे। तो पहले मैं 40 फंदे बना लेती हूँ। चालीस फंदे बनाने के बाद अब हम यहाँ पर पहली और दूसरी सिलाई दोनों सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं 2 सिलाई बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। दो सिलाई हमने बना ली। 2 सिलाई बनाने के बाद हम 4 मार्कर लगाएंगे। आप मार्कर भी इस तरीके के मार्कर भी लगा सकते हो और सेफ्टी पिन या रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मार्कर हम 2 फंदे के बाद, 17 फंदे के बाद, 2 फंदे के बाद, 17 फंदे के बाद, इस तरीके से 4 मार्कर लगा देंगे। चार मार्कर हमने लगा लिए हैं और अब हम तीसरी सिलाई से अपने फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले फंदे से एकदम पहले वाले फंदे से हम 2 फंदे बनाएंगे, एक आगे से और एक पीछे से। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर बीच के 17 फंदों पर हमको कभी भी कुछ नहीं करना। पहले मार्कर से लेकर दूसरे मार्कर तक के पहले हम 17 फंदे बना लें।
दूसरा मार्कर भी अपनी सिलाई पर ले लेंगे और हमेशा दूसरे मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे से हम हमेशा दो फंदे बनाएंगे, एक दो। तीसरे मार्कर के भी साथ वाले फंदे से हमेशा हम दो फंदे बनाएंगे। तीसरे मार्कर से लेकर चौथे मार्कर तक के बीच के 17 फंदे हमको बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं, इस पर कभी कोई डिजाइन नहीं बनाना। चौथा मार्कर भी हम अपनी सिलाई पर लेकर इस मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे से हम दो फंदे बना लें और आखिर का फंदा सीधा। रॉन्ग साइड हमको सारी की सारी सीधी बनानी है। इस सिलाई पर हमारे 4 फंदे बढ़ गए, हमारे पास यहाँ पर 44 स्टिचेस हैं। आप काउंट कर लीजिए, कभी भी एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम सीधी साइड से रो नंबर 5 बनाएंगे। दो फंदे बनाने के बाद अपनी मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे से दो फंदे बनाएंगे। फंदा आपको जैसे बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। 17 फंदे सीधे। दूसरा मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर मार्कर से बिल्कुल साथ वाले फंदे से हम दो फंदे बनाएंगे। इस बार बीच में दो फंदे सीधे हैं और इस फंदे से मार्कर से एकदम पहले वाले फंदे से दो फंदे बनाएंगे। 17 फंदे सीधे। चौथे मार्कर को अपनी सिलाई पर लेकर मार्कर के एकदम साथ वाले फंदे से हम दो फंदे बना लेंगे, आखिर के दो फंदे। दूसरी बार फंदे बढ़ाने पर हमारे पास सिलाई में 48 स्टिचेस हैं। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी सारी की सारी सिलाई सीधी बनाएंगे। रो नंबर 7 तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे। मार्कर के एकदम साथ वाले फंदे से दो फंदे पहले की तरह बढ़ाएंगे। सत्रह फंदे सीधे। मार्कर के एकदम साथ वाले फंदे से एक फंदा बढ़ा लेंगे। चार फंदे बीच में सीधे। 1, 2, 3, 4 और यहां पर मार्कर के साथ वाले फंदे से दो फंदे बनाएंगे। 17 फंदे सीधे। मार्कर के एकदम साथ वाले फंदे से एक फंदा बढ़ा लेंगे और बाकी के सारे फंदे सीधे।
तीसरी बार फंदे बढ़ाने पर हमारे पास सिलाई में 52 स्टिचेस हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 है। रो नंबर 9 में हम चौथी बार फंदे बढ़ाएंगे। मार्कर के एकदम साथ वाले फंदे से हमको 2 फंदे बढ़ाने हैं, 17 फंदे सीधे। मार्कर से एकदम साथ वाले फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। बीच के फंदे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मार्कर के साथ वाले फंदे से 1 फंदा बढ़ा लेंगे। 17 फंदे सीधे। मार्कर से एकदम साथ वाले फंदे से 1 फंदा बढ़ाएंगे। चौथी बार फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास सिलाई में 56 फंदे यानी 56 स्टिचेस हैं। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 10 सारी की सारी सीधी सीधी बनाएंगे। यहाँ पर हम अपनी रो नंबर 9 और पांचवी और आखिरी बार फंदे को बढ़ाएंगे। एकदम साथ वाले फंदे से फंदा बढ़ाना है। 17 फंदे सीधे। मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे को हम बढ़ा लेंगे। 8 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 फंदा जो बिल्कुल मार्कर के साथ है इसको हम 2 बना लेंगे। 17 फंदे सीधे। मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे से ही हमको 1 फंदा बढ़ाना है। यहाँ पर हमने फिर से 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। इस बार हमारे पास सिलाई में 60 फंदे हैं, 60 स्टिचेस हैं। आप काउंट कर लीजिए, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। रो नंबर 12 जो हमको रॉन्ग साइड से बनानी है इसमें हम सारे के सारे मार्कर्स निकाल देंगे। मार्कर्स का हमारा काम खत्म हो गया है। इसके ऊपर हम 4 सिलाई और बनाएंगे। रो नंबर 13, 14, 15 और 16। रो नंबर 16 तक बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। जब हम रो नंबर 16 तक बना लेंगे तो हमारे पास इस तरह की जो सरी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 सरी बन जाएंगी। तो पहले इसके ऊपर मैं 4 रो सीधी सीधी बना लेती हूँ।
रो नंबर 16 तक बनाने के बाद इसके ऊपर हम फिर से अपनी 8 सिलाई बनाएंगे, जिसमें एक सिलाई सी थी और एक सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 17 से लेकर रो नंबर 24 तक होगी। तो पहले मैं ये वाली अपनी 8 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 24 रोज बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, ये 8 सिलाई भी बना ली है। इसके बाद हमने जितने हमारे पास फंदे थे, 60 फंदे थे, उसमें से 30 फंदे इधर रखकर, 30 फंदे इधर रखकर बीच में हमने एक मार्कर लगाया है। इसके बाद जब हम सिलाई बनाएंगे अपनी नेक्स्ट रो में, सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे, सिर्फ आखिर के ये दो फंदे नहीं बनाएंगे। यानी इस बार हमको गिनकर 28 स्टिचेस बनाने हैं। वैसे ये हमारी रो नंबर 25वीं है। 25वीं रो नंबर शुरू करते समय सिलाई पर गिनकर हम 28 फंदे सीधे बनाएंगे। इन दो फंदों को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम इनको निट वाइज अपनी सीधे हाथ की सिलाई पर ले लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई को इस तरह सिलाएंगे। और एक फंदा हम सीधा कर लेंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस बार हम इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। दोनों तरफ हमने एक एक फंदा कम किया है, लेकिन अलग अलग तरीके से किया है। इसके बाद इस ओर भी हम अपने 28 स्टिचेस बिल्कुल सीधे बनाएंगे। इस बार हमारी सिलाई पर दो फंदे कम हो गए हैं, यानी अब हमारे पास सिलाई में 58 स्टिचेस यानी 58 स्टिच है। पहले मैं ये रो बना लूं और वापसी हम सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम अपनी रो नंबर 27 बना रहे हैं। रो नंबर 27 में मैंने यहाँ पर 27 फंदे यानी 27 स्टिचेस बना लिए हैं। अब हमको फिर से इन दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा करना है, जैसे हमने पहले किया था। इन दोनों फंदों को हम उतार लेंगे और पीछे से ऐसी सिलाई लाएंगे दूसरी, और दोनों फंदों का एक फंदा। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस साइड भी हम दो फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे और इधर के भी हम 27 स्टिचेस को सीधा सीधा बना लेंगे। इस बार भी हमारे दो फंदे कम हुए हैं। हर बार एक सिलाई बनाने पर दो फंदे कम हो रहे हैं। इसी तरह से बनाते हुए हमको 10 बार अपने फंदे कम करने हैं। दो बार हमने फंदे कम कर लिए, 8 बार फंदे और कम करेंगे। जब हम टोटल 10 बार अपने फंदे कम कर लेंगे तो 20 फंदे कम हो जाएंगे, तो हमारे पास सिलाई में 40 फंदे रह जाएंगे। यहाँ पर हमने अपने 10 बार बूट की कटाई कर ली है। इसके ऊपर हम डोरी डालने के लिए जाली बनाएंगे। एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा, धागा अपनी ओर करके पहले जाली डालते हुए एक फंदा और फिर दो फंदों का एक फंदा। ये हमारा 3 फंदों का पैटर्न है। इसी डिजाइन को हम 6 बार रिपीट करेंगे। एक बार बना लिया, ये दूसरी बार,
तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये दो फंदों का एक फंदा करके पहले हम एक फंदा बना लेंगे। यहां पर हमने अपनी छह बार जाली डाली है, एक दो तीन चार पांच छः। अब हम इस तरफ जो जाली डालेंगे वो उल्टे तरीके से जाली डालेंगे। यहां पर एक एक फंदा सीधा, यहां पर 20 फंदे कंप्लीट हो गए। अब हम इसको बनाएंगे इस तरफ से, पहले दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी ओर करके इस बार हम दो फंदों का ऐसे एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर किया, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा। इस ओर भी हमारे पास जाली छह बार बनेगी। जब हम पूरी जाली बना लेंगे तब हम देखेंगे कि हमारी जाली दोनों ओर से बिल्कुल बराबर है। एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा, और जाली इस ओर से भी हमारा सेम डिजाइन है, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा और जाली। डिजाइन हमारा दोनों ओर से बीच में सेंटर में आकर बिल्कुल बराबर आया है। इसके बाद हम अपनी एक रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमको ये वाली सिलाई सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं ये दो रो कंप्लीट कर लेती हूँ, एक रो उल्टी बनानी है, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये जो हमने अपना जाली डाली थी, इस फंदे को भी हम उल्टा ही बनाएंगे। जाली डालने के बाद इसके ऊपर हमको गिनकर 10 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। जब हम 10 सिलाई बनाएंगे तो हमारे पास बूट में इस तरह की 5 सरी बन जाएंगी, एक दो तीन चार पांच। तो पहले मैं 10 सिलाई कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहां पर हमने अपनी 10 रो कंप्लीट कर ली है, बूट हमारा बन गया है। अब हम सारे फंदे एक एक करके बंद करेंगे, दो फंदे बना लेंगे, पीछे का फंदा पलट लेंगे, एक फंदा बना लेंगे, पीछे का फंदा पलट लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सारे फंदे बंद करेंगे। यहां पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर लिए हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले हम सीधी साइड को आपस में ऐसे मिला लेंगे। पहले इसको यहां पर दो बार लेकर पक्का कर लेंगे। अब ऐसे खोलकर एक साइड से सुई अंदर लाकर इस जुराब को हम पलट लेंगे और सीधी साइड हमारी बाहर आ गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हर बार हमको
दो धागे एक साइड से लेने हैं और दो धागे हमको एक साइड से लेने हैं। दो धागे हम एक साइड से लेंगे और दो धागे हम एक साइड से लेंगे। इसी तरह से इसकी सिलाई करते हुए पहले हम यहां तक इसकी सिलाई करेंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई करेंगे। जब हम यहां तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे तो इसके ऊपर हमको बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से एक बार इस साइड से लेना है चेन को और एक बार इस साइड से। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 18 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा चलता है, अगर हम डबल धागे से फंदे डाल देंगे तो चलते समय उसके पैर में जब हम यहाँ से सिलाई करते हैं तो मोटा सा बन जाता है, चलते समय बच्चे के पैर में चुभता है। इस तरीके के फंदे डालने के बाद और इस तरीके की सिलाई करने से ये नीचे से बिल्कुल पतला रहता है और बच्चे के पैर में चुभता नहीं है। इसी तरह से इसकी सिलाई करते हुए पहले हम सारे तल्ले की सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम वापसी रॉन्ग साइड में जाकर इसको पक्का कर देंगे। एक बार बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसमें डोरी डालेंगे। डोरी का वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोनों बूट की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।